सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि एक महीने पहले ही NWA के फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन कमिले ऑल इलीट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं और गाइज उनका मानना ये है कि अब उनका जल्द ही डेब्यू होने वाला है। तो इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और चलिए सली वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो गाइज, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि कमिले हैं कौन। तो कमिले NWA के फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन है, यानी कि रेसलिंग अलायंस के फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन वो हैं। और गाइज काफ़ी सारे अपडेट का ये कहना है कि लास्ट मंथ ही वो ऑल इलीट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली थी और राइट नाउ वो एक ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार है। और जैसा कि गाइज अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, और इस अपडेट का ये कहना है कि ऑल इलीट रेसलिंग कमिले का जो भी ग्राफिक्स है और जो डिज़ाइन है उनके डेब्यू का वो बना रही है और कलेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है गाइज, काफी हम लोग करीब आ चुके हैं कमिले के डेब्यू का AEW में। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा गाइस, और हमें यह भी देखना होगा कि कमिले का किस वीक के डायनामाइट के एपिसोड में डेब्यू होता है। ये आने वाला डायनामाइट के एपिसोड जो कि हमें बीच ब्रेक एपिसोड देखने को मिलने वाला है, तो क्या वहां पे फॉर्मर NWA की वुमेन्स चैंपियन का डेब्यू होता है या नहीं। लेकिन गाइस अभी रिपोर्ट का यही कहना है कि ऑल इलीट रेसलिंग ग्राफिक्स एंड कार्ड का और जो भी उनका मतलब डेब्यू का जो सीन है और जो भी सेगमेंट है उसको यूज करना स्टार्ट कर दी है। तो इससे हमें हिंट ये देखने को मिल रहा है गाइस कि अब हम लोग काफी करीब आ चुके हैं उनके डेब्यू का ऑल इलीट रेसलिंग में। और देखते हैं गाइस कि हमें उनका कब डेब्यू देखने को मिलता है। लेकिन गाइस जब भी उनका डेब्यू होगा काफी हमें मजा आ जाएगा। और वैसे गाइस आपके लिए कमेंट सेक्शन फ्री है, आप मुझे जाके बता सकते हो कि क्या आने वाले डायनामाइट के एपिसोड में उनका डेब्यू होगा या उसके बाद वाले डायनामाइट के एपिसोड में या ऑल इलीट रेसलिंग के PPV में उनका डेब्यू होगा। लेकिन गाइस काफी ज्यादा रूमर्स थे कि फॉरबिडन डोर में उनका डेब्यू होगा, लेकिन गाइस वहां पे नहीं हुआ। मैंने वीडियो बना आपको बताया भी था कि अपडेट का ये कहना है कि उनका डेब्यू वहां पे नहीं होगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।